प्रतापगढ़ में आज कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तिवारी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी महेश कुमावत ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश सचिव सुरेंद्र चंडालिया और विधायक रामलाल मीणा के साथ साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अपने भाषण में कांग्रेस ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर पाकिस्तान पर कार्रवाई के नाम पर देश को झूठ बोलने और विश्वासघात करने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा विधायक रामलाल मीणा ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि वे जिले के 21 होनहार छात्रों को MBBS की पढ़ाई का खर्चा वहन करने को तैयार हैं, ताकि जिले की स्थानीय डॉक्टर को डॉक्टर मिले और फिर वे स्थानांतरण करवा कर बाहर न जाएं। इसके अलावा उन्होंने जिले के होनहार छात्र छात्राओं को उच्च पदों की नौकरी की तैयारी के लिए सहायता देने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर मंच पर बोलते हुए वक्ताओं ने भाजपा सरकार को निशाने पर रखकर सभा को मकसद आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना रहा है। चुनाव पूरा होने तक इस तरह की बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये सारी बातें मीडिया ने इस देश की जनता को दी है, मीडिया बोला है, और ये 300 किलो RDX लापरवाही से पहुंचा, ये इंटेलिजेंसी की नेगलिजेंसी है, भारत सरकार की नेगलिजेंसी है, और हमारे देश के 40 जांबाज शहीद हो गए और पूरे देश और विपक्ष इस घटना की निंदा की और देश की जनता ने दुख महसूस किया और पूरा देश इससे वाकिफ है। आज का कार्यक्रम ओबीसी विभाग कांग्रेस का जो विभाग है उसका प्रोग्राम था, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेके ये कार्यक्रम था, ताकि कांग्रेस में यह मजबूती आए और सभी कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य रखा है विधानसभा से ज़्यादा वोट हमें प्राप्त हो, ताकि देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सके और देश को किसानों को का भला हो सके। आज राहुल गांधी जी का उद्देश्य है किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों का बिजली बिल हाफ हो और किसानों की जो जो समस्या आ रही है, आत्महत्या करने जबकि स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो सबसे समाधान मिले। और राहुल गांधी जी का सपना है कि देश का एक भी किसान कर्जे में नहीं रहेगा, इसको लेके हम चल रहे हैं, उसी के लिए ये आज कार्यक्रम था और हम लोकसभा चुनाव में अच्छी भूमिका निभाएंगे।